हाँ बोलिए। हाँ देखिए भाई, झारखंड में जो है ना शिक्षा का बहुत ही हालत खराब है। यहाँ किसी को देने का नहीं है इच्छा कि गरीब का बच्चा पाए शिक्षा। अरे बिना लिए परीक्षा तो पार कर देता हर साल कक्षा। और जितने भी शिक्षा के पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक सब रखते तरह तरह से लूटने का ही इच्छा। किसी को देने का नहीं इच्छा है। और देखिए कभी खिचड़ी में लूटना, क्या कहते हैं साइकिल बांटने में, बिल्डिंग बनाने में खाली रखते हैं लूटने का इच्छा। और बिना लिए परीक्षा पार कर देते हैं कक्षा। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है आगे जा करके रखता है क्या कहते हैं नौकरी पाने का ना, हाँ एक ही चीज़ सिखाते हैं सरकारी स्कूल में कि लाइन में खड़ा होकर थाली लेके कैसे मांगेगा भिक्षा और नाम रखा सर्व शिक्षा। अब बच्चा जब बड़ा होता है रखता है नौकरी पाने का इच्छा, खूब कड़ाई से लेते परीक्षा और अंतर्भिक्षा। अंतर्भिक्षा मतलब इंटरव्यू। अरे बच्चा फेल कर जाता परीक्षा क्योंकि मिला ही नहीं उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो क्या करे बेचारा बच्चा। वही बच्चा फिर फेल होने के बाद रखता है जाके दिल्ली बॉम्बे सूरत जाके कमाने का इच्छा। यही है हमारी सरकारी शिक्षा, झारखंड सरकार की शिक्षा। तो हम कैसे कैसे इसका करें समीक्षा। किसी के अंदर में नहीं है दृढ़ इच्छा जो करे शिक्षा की सुरक्षा और हो जाए यहाँ के बच्चों के भविष्य की जीवन रक्षा। यही है यहाँ झारखंड की शिक्षा। अरे देश आज़ादी से लेकर आज तक ले देख रहे हैं, अभी यहाँ झारखंड बन ले 18 साल हो गया। अब क्या है सब जगह चाहिए पारा, हर जगह पारा चुकी होता है बेचारा। वो करेगा बाप का बहुत बड़ा दुलारा लेकिन फिर भी करेगा गुजारा है। और देखिए बिहार में जितना था उतना तो पैसा कम से कम दे देता है यहाँ का, लेकिन किसी को नहीं है विचारधारा कि जितना मिलता है वहाँ उतना दे दे, यहाँ पर भी बिहार जितना मिल जाए। तो अगर थोड़ा सा पैसा बढ़ाने के लिए बनाया नारा तो पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ही चढ़ गया उसका पारा, उसको लगा खारा और लगा दिया सब पर धारा। वो बेचारा कुछ चला गया जेल में ही जाके मारा, क्या कहेंगे। और उसमें से जो कुछ बचा है अब क्या कहेंगे, वो उसको दिखाई दे रहा आसमान का तारा, वो हो गया बेसहारा। जबकि यही पारा है गरीबों का सहारा, जो कर रहा है गरीब का स्कूल क्या चला रहा पढ़ा रहा, यही पारा पढ़ा रहा है। सरकारी टीचर तो लगभग नहीं है कहीं भी जान लीजिए। उसके बाद ये जो है यही हमारी रघुवर दास का विचारधारा और सरकार का नज़ारा, झारखंड का नज़ारा। अब क्या कहेंगे, ये पारा गया एकदम बिल्कुल मारा। और देखिए ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, ये हमारा मुख्यमंत्री रघुवर दास है, इसीलिए सब कुछ करो बर्दाश्त, पढ़ो ना पढ़ो सब हो जाए पास। सब स्कूल में पढ़ो ना पढ़ो, टीचर है ये नहीं है, खाली बिल्डिंग बनवा देना है, प्लस टू कर दिया, बड़े बड़े डिंग, बड़े बड़े विकास, ये पेपर मीडिया सब जो है ना बड़ा बड़ा विकास की बात करेगा। अरे जब देखने बैठिए समाचार तो एकदम हो जाते हैं लाचार, सब चैनल वाले के साथ क्यों करता है प्रचार, सो बताइए। खाक देखे हम लोग समाचार, सब चैनल वाले चमचाई करता है, एक साथ करता है प्रचार, खाक देखे समाचार, हम लोग हो गए एकदम बिल्कुल लाचार। अरे करते रहिए पत्राचार फिर भी नहीं होता है कोई उपचार, यही है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और हम लोगों पर अत्याचार, यही है उसका शिष्टाचार, कदाचार दुराचार, क्या कहेंगे हम लोग। यही है आज का ताजा समाचार भैया, रहे दो, थैंक यू। पढ़ो ना पढ़ो सब पास, इसका मुख्यमंत्री रघुवर दास। और उसके बाद में करो काम का तलाश, हो जाएगा निराश और हताश, नहीं मिलेगा तो रहो भूखे प्यास, और कर लो भूखे रहने का अभ्यास। का मुख्यमंत्री रघुवर दास, घोड़ा को नहीं मिले घास लेकिन गधा खा रहा बेटा चवन परास, इसलिए सब कुछ करो बर्दाश्त, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बस यही हो रहा हमारे झारखंड में विकास, असली विकास, सबका साथ सबका विकास हो गया।